बोलो पंडित रामाकृष्ण की जय। हो अहो भाग्य हमारे, अरे साक्षात पंडित रामाकृष्ण जी के दर्शन हो गए, हम तो धन्य हो गए। पंडित रामाकृष्ण सदैव हमें अचरज में डाल देते हैं, किंतु अचरज से भी बड़ा अचरज आज हम देख रहे हैं। बात कुछ समझ में नहीं आई कि वो और गुरुवर एक दूसरे के विरुद्ध बोलने के स्थान पर एक दूसरे का गुणगान पंचम स्वर में क्यों कर रहे हैं। जय हो पंडित रामकृष्ण की जय हो। ये किसका चित्र लगा रखा है? अरे जय हो। अरे आप क्या कर रहे हैं? जय हो, आप जैसे ज्ञान के सागर के सम्मान में स्तुति गा रहे हैं पंडित रामकृष्ण जी। ना 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 ना, ना गुरुवर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो वही बात हो गई जैसे सूर्य को दिया दिखाना, कहाँ आप और कहाँ मैं। बिल्कुल सत्य कहा आपने पंडित रामकृष्ण, कहाँ आप कहाँ हम। यदि मैं सितारा हूँ तो आप चंद्रमा है। ना 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 ना, यदि मैं चंद्रमा हूँ तो आप सूर्य हैं। यदि मैं सूर्य हूँ तो आप संपूर्ण सौर मंडल। यदि मैं संपूर्ण सौर मंडल हूँ तो आप संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। क्षमा कीजिए पंडित रामकृष्ण, परंतु आप लोग तो बहुत बड़े लोग हैं। हम यहाँ जो प्रजा जन एकत्रित है, हमारे मन में एक विचार उत्पन्न हो रहा है, कहिए तो बोल दे। हाँ बोलिए 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 बोलिए। देखिए अधिकतर चुनाव में ऐसा होता है कि प्रत्याशी अपनी प्रशंसा करता है। हाँ। अपनी योग्यता सिद्ध करता है, प्रजाजनों से विनती करता है कि वो उसे ही अपना मत दे। सत्य वचन, परंतु यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है। यहाँ तो आप दोनों एक दूसरे के लिए, जो कि एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी है, आप एक दूसरे के लिए ही प्रचार कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, ऐसे में हम सब प्रजाजन भ्रमित होंगे कि नहीं? हम आप सभी के भ्रम को एक क्षण में दूर कर देंगे। हाँ। सत्यं धारयते पृथ्वी, सत्यं तप्त रवि, सत्य वायव वान्ति सर्व सत्य प्रतिष्ठितम्। अर्थात सत्य से ही पृथ्वी का धरण होता है, सत्य से ही सूरज में तेज होता है, सत्य से ही वायु चलती है, और संसार में सब कुछ सत्य पर ही आधारित होता है। अतः ये सत्य है कि हम बुद्धिमान हैं, हम ज्ञानी हैं, हम योग्य हैं, किंतु पंडित रामकृष्ण हमसे अधिक बुद्धिमान हैं, हमसे अधिक योग्य हैं, हमसे अधिक ज्ञानी हैं। अतः ये विजयनगर का दुर्भाग्य होगा कि इन जैसा योग्य कर्मठ और यशस्वी पुरुष विजयनगर को त्याग कर वन की ओर चला जाए। ना 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 गुरुवर। हाँ? नरस्य विद्या रूपम धिकम। हाँ? अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा गुण विद्या ही होती है, और आप तो विद्या के गुणी हैं। किंतु आप तो महाबुद्धिमान, आप भक्ति के भंडार हैं, आप तो गुणों का भंडार, आप उदार हैं। अरे हम पर तो कईयों का उधार है, ये ज्ञान का सागर है। ना 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 ना, ना। मैं तो मात्र खाली गागर हूँ। इन पर देवी माँ की कृपा है, इन पर तो शिव जी की कृपा है। आप कर्तव्य का बहता झरना है। आप पर्वत तो मैं मात्र राई हूँ। यदि आप राई हैं तो मैं तो मात्र धूल का कण हूँ। आप एक युग और मैं मात्र एक क्षण हूँ। आप क्षण नहीं, आप तो सर्वगुण संपन्न हैं। आप एक चट्टान और मैं छोटा सा कंकड़ हूँ। आप कंकड़ नहीं, आप तो प्रजा के हृदय के कण कण में। मैं अबोध हूँ, मैं अनभिज्ञ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं महाज्ञानी हूँ। ये विजयनगर का दुर्भाग्य होगा कि इन जैसा गुणी व्यक्ति विजयनगर को त्याग कर वन की ओर प्रस्थान करे। ये तो अनुभव का वो वृक्ष है जिसकी छांव संपूर्ण विजयनगर को मिलनी ही चाहिए, इसलिए आप भारी मत से गुरुवर को ही विजयी बनाएं। नहीं, आप पंडित रामकृष्ण जी को भारी मतदान से विजयी बनाएं। ना 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 ना, ना। राजगुरु को विजयी बनाएं। नहीं, पंडित रामकृष्ण को भारी मतों से विजय बनाएं। ना 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 ना, गुरुवर को विजयी बनाएं। पंडित रामकृष्ण को, गुरुवर को, पंडित रामकृष्ण को, आपको, 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 आपको।
अरे आप लोग कहाँ चल रही है? अरे रुकिए, अरे रुकिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे रुकिए, अरे रुकिए, अरे सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए, देखिए मेरी बात भूल मत जाइएगा। अरे हमारी बात सुनिए, अरे हमारी, रुक जाइए, रुकिए। पंडित रामाकृष्णा, जीतेंगे तो आप ही, और वन तो हम ही जाएंगे, और वो खजाना भी हम ही पाएंगे, और आप देखते रह जाएंगे। गुरुवर, खजाने के लोभ में आप वन जाएंगे और फिर बड़ा पछताएंगे। पंडित रामाकृष्णा, हम अकेले नहीं हैं। आपके पक्ष में मतदान करने को, प्रजा को उकसाने हेतु कोई और भी है जो हमारी सहायता कर रहा है। ये रहस्य अभी तक रहस्य ही बना हुआ है कि ये दो ज्ञानी क्यों कह रहे हैं स्वयं को अज्ञानी, क्यों कर रहे हैं ऐसा? सुनिए सुनिए, आप सब हमारी बात ध्यान से सुनिए। पंडित रामाकृष्णा को हम खो नहीं सकते, हम सब अपना मत पंडित रामाकृष्णा को ही देंगे। पंडित रामाकृष्णा की जय, पंडित रामाकृष्णा की जय। तुझे क्या ज्ञात तो ज्ञानी है या नहीं है? मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसे जन्म दिया है, वो उतना ज्ञानी नहीं है जितने की गुरुवर तथाचार्य जी है। अतः अपना मत गुरुवर तथाचार्य जी को ही देना। अपना अपना मत पंडित रामाकृष्णा को ही देना, महिलाओं के अधिकार के लिए वो सदैव खड़े रहे हैं। क्या महिला, महिला भी महिला है? हमारा दुख तो दूर नहीं कर पाते वो, और जो अपनी पत्नी की पीड़ा को ना समझे वो आपकी पीड़ा को क्या समझेंगे? हाँ, अतः अपना मत भूल से भी उन्हें मत देना। अम्मा शारदा की यही पुकार, गुरुवर की जय जयकार। सौदामिनी की यही पुकार, पंडित रामकृष्ण की जय जयकार, जय जयकार, गुरुवर की जय जयकार, पंडित रामकृष्ण की जय जयकार। पुरुष ही नहीं, यहाँ तो महिलाओं में भी पंडित रामाकृष्ण और गुरुवर तथाचार्य को लेकर युद्ध छिड़ा हुआ है। अब समय आ गया है जब इस विषय पर इन दोनों से सीधा संवाद किया जाए। विजयनगर को धर्म और नीति का मार्ग गुरुवर ही दिखा सकते हैं। महाराज, विजयनगर को पंडित रामाकृष्ण के ज्ञान और बुद्धि की आवश्यकता है। महाराज, गुरुवर विजयनगर के राजगुरु हैं, ये भला वन कैसे जा सकते हैं? महाराज, पंडित रामाकृष्ण आपके मुख्य सलाहकार हैं, ये वन कैसे जा सकते हैं? आप वन कैसे जा सकते हैं? आप वन कैसे जा सकते हैं? मैं वन जाऊंगा। आप वन नहीं जा सकते, हम वन जाएंगे। मैं वन जाऊंगा। वन तो हम जाएंगे। मैं वन जाऊंगा। हम जाएंगे। मैं वन जाऊंगा। हम जाएंगे। मैं, हम, मैं, बस। बहुत हुआ, अचंभित हैं हम। एक और विजयनगर में इस बात के लिए मतदान कराया जा रहा है कि आप दोनों में से कौन विजयनगर में ही रहेगा और कौन गुरुजी के साथ वन की ओर प्रस्थान करेगा। और वहीं आप दोनों ही वन जाने के लिए अति उत्साहित प्रतीत हो रहे हैं। महाराज, हमें तो ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को बगुले की भांति भ्रम तो नहीं हो गया कि जंगल में कोई खजाना छुपा है जो इन्हें मिल जाएगा। हमें भली भांति ज्ञात है कि आपके पास कौन सा खजाना है और हम उसे प्राप्त करके ही रहेंगे। गुरुवर तथाचार्य, पंडित रामाकृष्ण। महाराज, हमें तो ऐसा लगता था कि आप दोनों में से कोई भी कभी भी हमें या हमारे विजयनगर को छोड़कर जाने के विषय में सोचेगा भी नहीं, परंतु हमारी आशा के विपरीत आप दोनों ही वन जाने के लिए अत्यंत उत्सुक दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है महाराज, मैं तो आपसे और विजयनगर से स्वयं से बढ़कर प्रेम करता हूँ। महाराज, ये हम ही जानते हैं या भगवान शिव जानते हैं कि हम अपने हृदय पर कितना भारी पत्थर रखकर वन जा रहे हैं।
महाराज, आपका वचन मात्र आपके लिए नहीं, अभी तो हमारे लिए भी सम्मान का प्रश्न है और हम उसकी लाज अवश्य रखेंगे। हम आपके वचन का महत्व समझते हैं महाराज, जिसे हम कदापि खंडित नहीं होने देंगे। महाराज, मुझे भी आपके दिए हुए वचन की चिंता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि गुरुवर यहीं विजयनगर में रहकर आपकी सेवा करें और अपने धर्म कर्म के कार्य से विजयनगर का कल्याण करें। पंडित रामकृष्णा, हम अपने धर्म और भक्ति की शक्ति से वन में रहकर भी महाराज और विजयनगर का कल्याण कर सकते हैं, किंतु आप जैसे परम मित्रों को भिन्न नहीं कर सकते। आप दोनों की मित्रता अविस्मरणीय, अद्वितीय, अकल्पनीय, अद्भुत। आप दोनों की मित्रता प्रेम का एक जीवित उदाहरण है। अतवन तो हम ही जाएंगे और अवश्य जाएंगे। महाराज, कृपया आप हमें अभी इसी क्षण गुरु जी के साथ वन की ओर प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। गुरु जी आइए। उत्साहित तो हम भी है महाराज। वन जाकर सर्वप्रथम इनकी मेंढक जैसी सूरत को ठीक करके ये ऐसा बनाना है। खजाना प्राप्त करने हेतु हमें ऐसी सूरत भी स्वीकार है। वाह वाह वाह, कितना सुंदर चित्र बनाया है आपने हमारा। गुरुवर, आपकी सूरत भला ऐसे कैसे हो सकती है? शिव जी की कृपा से आपके मुख के तेज का क्या? अरे छोड़िए पंडित रामकृष्णा, जब हमें आपत्ति नहीं है, आपको क्या आपत्ति है? महाराज, आप चुनाव रद्द करवा दीजिए, हम वन जाने के लिए तैयार हैं। नहीं गुरुवर, उद्घोषणा हो चुकी है, इसलिए मतदान भी होकर रहेगा। अब देखना यह है कि विजयनगर की प्रजा आप दोनों में से किसे अधिक मत देकर विजयी बनाती है और किसे अल्प मत देकर पराजित करती है। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम गुरुवर। संभल कर पंडित रामकृष्णा, अभी टकरा जाते आप। गुरुवर, क्रोधित क्यों हो रहे हैं? टकराया तो नहीं ना? आप तो मुझे एक बात बताइए। हाँ? आप ये बताइए कि आपको वृक्ष पर चढ़ना तो आता है ना? हैं? हम कोई वानर हैं जो वृक्ष पर चढ़ेंगे? गुरु जी, वृक्ष पर चढ़ना आपको आता होगा ना? आप हमसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आप वन की ओर प्रस्थान करने वाले हैं ना। अरे तो हम कौन सा सदैव के लिए जा रहे हैं? 1.5-2 महीने में वापस लौट आएंगे। हैं? भागकर? नहीं, उड़कर। भागकर क्यों आएंगे? अभी आपने कहा ना कि आप 1.5-2 माह में वापस आ जाएंगे, तो मुझे लगा कि वन की प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर भागकर वापस आ जाएंगे। हमें मूर्ख बना रहे हैं। बताइए ना गुरुवर, आप 1.5-2 माह में वन से वापस कैसे आएंगे? देखिए। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम प्रणाम। गुरुवर, क्या शिवजी अब तक क्रोधित है? क्योंकि वे मंदिर लौट के नहीं आए। ओह, ये विचार तो मैंने किया ही नहीं कि यदि शिवजी की मूर्ति मंदिर में वापस नहीं आएगी तो प्रजा गुरुवर के ही पक्ष में मतदान करेगी। नहीं, हम भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो वापस लौट आए। प्रणाम। प्रणाम गुरुवर। हा? चुनाव में तो आप ही विजयी होंगे और जिसके परिणाम स्वरूप वन मुझे ही जाना होगा, क्योंकि विजयनगर की प्रजा आप जैसे शिव भक्त को चुनाव में पराजित करवा के शिवजी को और क्रोधित थोड़ी ना करेंगे, वो तो अपना मत आपको ही देंगे। प्रणाम पंडित रामकृष्ण। प्रणाम। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। प्रणाम गुरुवर। भगवान शिव कब आएंगे? आएंगे आएंगे, अवश्य वापस आएंगे, क्योंकि आप सब गुरुवर को अपने भारी मतों से विजयी जो बनवाने वाले हैं। किंतु ध्यान रहे, यदि आप लोगों ने अपना मत गुरुवर को नहीं दिया तो शिवजी और क्रोधित हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
मंगलू, कल रात्रि भगवान शिव पुनः हमारे स्वप्न में पधारे थे और हमसे कहा कि हम प्रजा से अत्यधिक प्रसन्न हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया है कि आप सब हमें अत्यधिक प्रेम करते हैं। अतः वो ये चाहते हैं कि आप सब पंडित रामकृष्णा को भारी मतदान से विजय बनाकर हमें वन में भेज दें। मैं नहीं मानता गुरुवर, क्योंकि यदि ऐसा होता तो शिवजी मंदिर वापस लौट कर नहीं आ जाते। ये बात तो सर्वथा सत्य है। हाँ? गुरुवर, हमने तो तय कर लिया है कि हम आप ही को मत देकर विजय बनाएंगे। चलो चलो भाई, ये तय रहा। जय जय बम भोले, जय जय बम भोले। ए मूर्ख, जब तुम दोनों को पता चल गया था कि वन जाने में ही हमारा लाभ है, तो तुम दोनों ने भगवान शिव की मूर्ति अब तक मंदिर में वापस क्यों नहीं रखी? क्षमा गुरुजी, क्षमा, आज हम रख देंगे। अरे आज, आज नहीं, अभी, कल तो चुनाव है। उससे पूर्व हमें सबको विश्वास दिलाना है कि भगवान शिव क्रोधित नहीं है और वो चाहते हैं कि हम ही बन जाएं। अतः वो सब पंडित रामकृष्णा के पक्ष में मतदान करें। समझे? समझे, समझे। उन्हें समझाएं। समझे, समझे, अच्छे से समझे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए, भगवान शिव अब क्रोधित नहीं हैं, वो पुनः मंदिर में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। देखिए, देखिए, बोलो जय शिव शंभो। जय शिव शंभो। भगवान शिव स्वयं चाहते हैं कि हम गोपाल कृष्ण जी जैसे महान गुरु जी की सेवा हेतु वन की ओर प्रस्थान करें। इसलिए आप सब पंडित रामकृष्णा जी को विजयी बनाए। हाँ हाँ, हमारे गुरुजी गोपाल कृष्ण जी की सेवा करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। हाँ, और वो भी निस्वार्थ भावना से करेंगे, बदले में फूटी कौड़ी भी नहीं लेंगे। है? क्या? ऐसे समाज सेवक संत स्वरूप गुरुजी की सेवा करने का अवसर हमें भगवान शिव जी की असीम अनुकंपा से ही प्राप्त हो रहा है। जय भोले भंडारी। इसलिए आप सब हमें भारी, बहुत भारी, अत्यंत भारी मतों से पराजित करें, ताकि हम गुरु जी की सेवा करने का अमृत चख सके। हर हर महादेव। देखिए, दो महान गुरुओं का मिलन हो रहा है। अब दो महापुरुष आपस में संवाद करना चाहेंगे। अतः आप सब लोग प्रस्थान कीजिए यहाँ से। राजगुरु तथाचार्य, आपकी भावनाओं को शब्दों के रूप में सुन के हमारा हृदय द्रवित हो गया। हाय, हम आपको कछुआ समझते थे। क्योंकि तू कल तक तो आप हमारे गुरु जी को मेढक कह रहे थे। चुप करो नेवलो। किंतु आप तो कबूतर निकले। गुरुजी, ये नेवले नहीं, ये तो गधे हैं। नहीं, आपके कथा अनुसार नेवले हैं। किंतु आप चिंतित ना हो, हम आपको हमारी सेवा का मौका अवश्य देंगे। आप हमारे लिए भोजन पकाएंगे। हैं? हम भोजन? हाँ, पहाड़ी के उस पार जाके नदी से हमारे लिए जल लाएंगे। हम जल लेकर आएंगे? हाँ, आप हमारे लिए साफ सफाई करेंगे, हमारे पांव दबाएंगे, हमारे वस्त्र धोएंगे, आप हमारे बर्तन धोएंगे। इस तरह के भांति भांति की सेवा करने का अवसर हम आपको देंगे। सेवा नहीं, हम तो मेवा के लिए जा रहे हैं। अब इन्हें क्या पता कि हमें खजाने के विषय में सब ज्ञात है, कि वो खजाना ये हमें सौंपने वाले हैं। किंतु राजगुरु तथाचार्य, आप वन में पशुओं के साथ रह पाएंगे? आप कहें और हम ना रहें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारे आश्रम में बकरी है, अश्व है, गाय है, भैंस है, हिरण है और एक तेंदुआ भी है। वहां आकर उसे भोजन भी आप ही को कराना है। हैं? हे प्रभु, कहीं उसने हमें भोजन समझ लिया तो क्या करेंगे?
गुरु जी हम आपकी सेवा हेतु अपने साथ 10-20 सेवक भी ले चलेंगे। किंतु उनका वेतन कौन देगा? आपके पास इतना बड़ा खजाना है। खजाना? कैसा खजाना?